आपका, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी और मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा का दावा है कि वे धर्म युद्ध लड़ रही है, यही भाजपा और आरएसएस का असली चेहरा है जो अब बेनकाब हो गया है। साथ ही उनका कहना है कि आयोग को प्रज्ञा सिंह का नामांकन रद्द कर देना चाहिए। वहीं मायावती के इस ट्वीट के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी से देश की राजनीति की दिशा तय होना है। वहीं कमलनाथ सरकार के बारे में गुप्ता का कहना है कि उनकी सरकार अभी भी पूर्ण बहुमत में नहीं है और वे खुद जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार भी रहने वाली नहीं है। देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी से इस देश की राजनीति की दिशा तय होना है और इसलिए इस दशा में ऐसे क्षत्रप नेता जो जाति वर्ग संघर्ष के आधार पर राजनीति जमाए हुए थे उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक ही है। मायावती जी जैसे नेता इसी से हैरान और परेशान है। कमलनाथ जी को याद रखना चाहिए कि अभी भी पूर्ण बहुमत उनके पास नहीं है और सरकार बनने के बाद से जिस प्रकार के अंतर्विग्रह उनकी सरकार में हैं और अभी भी चुनाव के समय आप जानते हैं कि कमलनाथ जी वाले सब मंत्री कमलनाथ जी के यहाँ, ज्योतिरादित्य जी वाले ज्योतिरादित्य जी के यहाँ और दिग्विजय सिंह जी वाले सब दिग्विजय सिंह जी के यहाँ। सरकार है ही नहीं, अंतर्विग्रह बहुत है और चुनाव के बाद वो सरकार रहना भी नहीं है, कमलनाथ जी जानते हैं।